हेलो, वेलकम टू द टीएसएन स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हाउ आर यू? घर पे आप लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे आप लोग? ओके, साथ साथ आप पढ़ाई भी करिएगा। रोज़ आपको वीडियो मिल रहे हैं, पीडीएफ्स मिल रहे हैं, आप रोज़ वर्क करिएगा। जब आप स्कूल आएंगे तो आपका चेकिंग वर्क होगा। ओके, तो आप एक बार हम लोग दोबारा से रिविजन कर रहे हैं अपने फाइनल एग्जाम की। ओके, तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 12 और रिक्रिएशन। रिक्रिएशन क्या होता है? रिक्रिएशन हम लोगों को जो अपने अंदर अच्छा फील करवाए, हमें अपने अंदर खुशी पैदा करें, उस चीज़ को हम रिक्रिएशन कहते हैं। अब ये कैसे खुशी प्राप्त होती है हमें? कोई भी हम सेलिब्रेशन देखते हैं, या कोई भी हमें ड्राइंग करने में मज़ा आता है, या हमें कोई कॉमिक्स वगैरह पढ़ने में मज़ा आता है, तो वो हमारा रिक्रिएशन है। यानी उस चीज़ को हमें बहुत ही अच्छे इंटरेस्टेड से करते हैं, हमें जो चीज़ पसंद होता है ना। जैसे आप लोगों को खेलना पसंद है, कॉमिक्स पढ़ना पसंद होगा, पिक्चर देखना पसंद होगा, सीरियल्स देखना, गाने देखना, तो ये सब चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं। तो इससे यानी आपके मन को बहुत अच्छा लग रहा है, इससे हमारा ये रिक्रिएशन है। ओके, चलिए एक बार हम पढ़ते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। रिक्रिएशन, ऑल ऑफ अस हैव अ स्पेशल नीड्स, कि सबको अपनी एक अलग अलग जरूरत होती है हर चीज़ की अपना रिक्रिएशन करने के लिए। तो हम अपने अपने अलग अलग तरीके से रिक्रिएशन करते हैं। देयर आर द मैनी मीन्स ऑफ द रिक्रिएशन, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो रिक्रिएशन के लिए जो हमें हमारे मन को अच्छी लगने वाली हैं। वी सेलिब्रेट मैनी ओकेजन्स और फेस्टिवल्स विद अवर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स। हमारे जो इंडिया में इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं कि हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हम लोग अपने हर एक वीक को आप देखिए, कुछ ना कुछ आपका फेस्टिवल आता रहता है, या कोई भी छोटे छोटे फंक्शंस हमारे आते रहते हैं। इंडिया में इतने सारे फंक्शंस होते हैं, सेलिब्रेशंस होते हैं, कि आपका पूरा साल आपके हंसते गाते गुजरता है ना। तो आप देखिए, अभी जैसे शादी का सीजन चल रहा है, आपको खूब इंजॉय होता है, घर पे भी आप अपना इंजॉय कर लेते हैं, मतलब कोई ना कोई बहाना निकाल के हम लोग अपना इंजॉयमेंट कर लेते हैं। तो हमारे जो फेस्टिवल्स वगैरह हैं वो भी हमारा एक सेलिब्रेशन है ना। तो फिर से फैमिली एंड फ्रेंड्स, और हमारे कितने सारे सेलिब्रेशन होते हैं अपने फैमिली के अंदर, अपने फ्रेंड्स के अंदर, तो हम लोग अपना जो हमारा मनोरंजन का साधन है वो हमें मिल जाते हैं। ओके, द फेस्टिवल्स आर द टाइम ऑफ फन एंड एंजॉयमेंट। फेस्टिवल्स में हम लोग क्या करते हैं, हमें कोई काम वाम तो करना नहीं होता, हमारे जो पेरेंट्स वो करते हैं, बट हम लोग उसमें इंजॉय करते हैं। तो हमारे फेस्टिवल जैसे दिवाली है, होली है, उसमें क्या करते हैं हम लोग, खूब इंजॉय करते हैं, क्रैकर्स वगैरह जलाते हैं, साफ सफाई वगैरह पेरेंट्स करते हैं आपके, बट आप क्या करते हो, अपना इंजॉयमेंट पूरा लेते हो। ओके, आप किस टाइम वेकेशन भी हो जाती है ना, दिवाली वेकेशन हो जाता है, फिर आप विंटर वेकेशन होगा, उसमें आप क्रिसमस का करेंगे सेलिब्रेशन अपना। ओके, देखिए आगे, फ्रेंड्स एंड फेस्टिवल आर द टाइम ऑफ फन एंड एंजॉयमेंट, कम्युनिटी सिंगिंग जनरेट टू अ सेंस ऑफ लव, यूनिटी एंड ब्रदरहुड। हमारी जो कम्युनिटीज हैं, जो इस बहाने हम लोग जितने फेस्टिवल हैं, हम एक गेट टुगेदर कर लेते हैं, अपना जो हमारा प्यार है वो और बढ़ता है, इससे हमारे जो भाईचारा है इससे और बढ़ता है। हम एक दूसरे घर पर जाते हैं, उनको विशेज देते हैं, और हम अपना जो भी फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट करते हैं। ओके, चलिए अब एक बार हम देखते हैं आगे चैप्टर हमारा। ये देखिए, हमारे जो रिक्रिएशन है किसके जरिए से करते हैं, ये आपको देखिए, आप सॉफ्ट बॉल है, बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, और टेनिस की बॉल है, इसमें लॉन्ग टेनिस की बॉल है। तो आप इन चीज़ों से गेम्स के थ्रू भी अपना रिक्रिएशन कर सकते हैं। प्लस जो छोटे बच्चे हैं वो लोग, उन लोगों के लिए अलग से गेम होते हैं, पजल गेम होते हैं, जो अपना उनके मेंटल एबिलिटी के होते हैं, जिससे उनका माइंड और बढ़ता है। तो वो ऐसे गेम्स उनके पेरेंट्स उनको ला के देते हैं जिससे उनका माइंड शार्प हो सके। देखिए आप, ये नीचे बीट्स दिखाई दे रहे हैं, वो एक एक को उस पर रिंग के अंदर डालते जा रहे हैं बीट्स को, तो यानी अपना दिमाग लगा रहे हैं उस चीज़ में, तो वो भी हमारा एक रिक्रिएशन है। हम अपने दिमाग को और ज़्यादा तेज करने के लिए हम लोग ये करते हैं। थर्ड में देखिए आप लोग, कि बच्चे अपने 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 गेम्स के लिए जा रहे हैं, अपने अपने बैडमिंटन वगैरह लेकर के, बास्केटबॉल लेकर के साथ में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए आप, हम स्टार्ट करते हैं, फिर आपको मैं और भी पिक्चर्स दिखाऊंगी। ओके, मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, कि रिक्रिएशन क्या होता है। ऑल ऑफ अस हैव स्पेशल नीड्स फॉर ए रिक्रिएशन, सबको अपना अलग अलग तरीका भाता है, सबको अपना अलग अलग तरीका अच्छा लगता है रिक्रिएशन का, है ना। कोई किस तरह से करता है, हम किसी के रिक्रिएशन में किसी को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, वो अपने तरीके से अपना मनोरंजन कर रहा है, तो हमें कभी भी उसके बीच में हमें दखलअंदाजी नहीं करनी चाहिए। रिक्रिएशन स्पेशल मीन्स ऑफ द रिक्रिएशन, रिक्रिएशन मीन्स एंजॉयमेंट, वी हैव मैनी मीन्स ऑफ एंजॉयमेंट, वी कैन हैव फन एट होम और आउटसाइड।
हम लोग कहीं भी अपना मनोरंजन के साधन ढूंढ सकते हैं, चाहे हम घर पे हों चाहे हम आउटसाइड हों यानी घर से बाहर हों, तब भी हम अपना कुछ ना कुछ रिक्रेशन निकाल लेते हैं, बातें करते हैं वो भी हमारा एक मनोरंजन है, ठीक है। या फिर हम किसी टॉपिक पे बहस करते हैं वो भी हमारा एक हुआ है कि उसमें हमें इंजॉय आता है, हम और बढ़ चढ़ के उसके बारे में बताना चाहते हैं, सामने वाला सुनता है हमारी बातों को, तो ये एक रिक्रिएशन है हमारा, मतलब दिमाग को अच्छा सा मनोरंजन कर रहा है। रिक्रिएशन इज द एक्ट ऑफ एंजॉयिंग व्हेन वी आर नॉट वर्किंग, मतलब हमें कोई काम कर रहे हैं तो वो एक रिक्रिएशन नहीं है, जबकि हम उस काम को इंजॉय से कर रहे हैं तो वो हमारा रिक्रिएशन है, ठीक है। जब हम लोग स्टडी नहीं कर रहे हैं, कोई दूसरा हम ड्राइंग बना रहे हैं तो वो भी हमारा रिक्रिएशन हो रहा है, ओके। नाउ वी शैल स्टडी डिफरेंट मीन्स ऑफ रिक्रिएशन एट होम और आउटसाइड। हम अच्छे से कह सकते हैं कि हमारे अलग अलग जो तरीके हैं रिक्रिएशन के, घर पे या फिर बाहर आउटसाइड में, वो हमारे मतलब स्टडी को छोड़ के हम लोग डिफरेंट टाइप को रिक्रिएशन करते हैं, रिक्रिएशन एट होम। अब आप देखिए घर पे हम लोग क्या क्या करते हैं रिक्रिएशन में, ओके। घर पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी रिक्रिएशन का, मतलब अपना मनोरंजन आप कोई ना कोई तोड़ निकाल लेते हो अपने मनोरंजन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, मोस्ट ऑफ द लाइफ स्पेंड फ्री टाइम वॉचिंग द टी वी, सम टाइम इंजॉय टू लिसनिंग द सॉन्ग एंड म्यूजिक ऑन रेडियो। वी कैन ऑल्सो यूज अ कैसेट प्लेयर टू हियर द म्यूजिक ऑफ अवर चॉइस। वी ऑल्सो इंजॉय डांसिंग टू इट्स ट्यून। अब मैंने कई बच्चों को देखा है जैसे अकेले रहते हैं तो कईयों को म्यूजिक सुनने का बहुत शौक है, किसी को टी वी देखने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। आपने कई बच्चों को मैं देखती हूँ, कोई आए चाहे जाए उनको कोई मतलब नहीं होता, वो अपने टी वी से चिपके रहते हैं, उसमें कार्टून नेटवर्क वगैरह है या सॉन्ग्स वगैरह सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, उसको देख देख करके वो खुद भी डांस करना के प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, ठीक है। वी कैन ऑल्सो द कैसे, या फिर जिसके घर पे से टी वी पे जैसे गाने नहीं आ रहे हैं या पिक्चर नहीं आ रही है, जिनका कोई कॉमेडी सीरियल नहीं आ रहा है, तो वो क्या करते हैं फिर अपना म्यूजिक प्लेयर चलाते हैं, म्यूजिक प्लेयर के साथ साथ खुद भी वो डांस वगैरह करने लगते हैं, तो वो उनका एक रिक्रिएशन है, ओके। प्लेयर म्यूजिक ऑफ आवर चाहे अपने इच्छा से जो आपको पसंद है वो आप अपने अकॉर्डिंग उस डांस वाला गाना लगा सकते हो और डांस कर सकते हो, तो ये रिक्रिएशन हो रहा है। वी ऑल्सो एंजॉय द डांसिंग टू इट्स ट्यून, और उसके म्यूजिक के साथ साथ हम लोग भी अपना पैरों को चलाने लगते हैं और डांस करने लगते हैं, तो ये हमारा सबसे बड़ा रिक्रिएशन है घर पे। तो हम लोग इस तरह से अपने घर पे रिक्रिएशन कर सकते हैं। टेलीविजन इज द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। अगर आपके कैसेट प्लेयर भी नहीं है कुछ नहीं है तो टीवी मोस्टली सबके घर पे होता है, तो आप टीवी के माध्यम से सबसे बड़ा आपका रिक्रिएशन हो रहा है ये, ओके। क्योंकि यानी आप अपना मनोरंजन पूरी तरह से उठाते हो टीवी को देख करके। मैनी ऑफ अस लाइक टू स्पेंड द टाइम ऑफ रीडिंग स्टोरी बुक एंड कॉमिक्स। कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो जैसे घर पर उनके पेरेंट्स उनको ज़्यादा टीवी नहीं देखने देते, तो क्या करते हैं मोस्टली अपना टाइम स्पेंड किस पे करते हैं, कहाँ पे अपना टाइम व्यतीत करना पसंद करते हैं, कि स्टोरी बुक, उनका अगर स्टोरी बुक मिल जाए, कई बच्चों को बहुत पसंद होती है स्टोरी बुक, तो वो अपनी स्टोरी यानी वो या न्यूज़पेपर है उसमें भी स्टोरी आती है, वो कहीं ना कहीं से अपनी उसमें से स्टोरी निकाल के पढ़ने लगते हैं, या फिर कॉमिक्स वगैरह है या स्टोरी बुक वगैरह है, तो इनमें भी उनको बहुत इंटरेस्ट आता है। वो असल में क्या उनके कार्टून्स वगैरह होते हैं, उनको बहुत पसंद आते हैं, तो कार्टून को देख देख करके वो या तो अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि ये स्टोरी हमें सुनाइए आप, अगर उनको पढ़ना नहीं आता, या फिर वो खुद अगर पढ़ना जानते हैं तो उससे स्टोरी देख करके खूब इंजॉय करते हैं, है ना। तो ये उनका एक कॉमिक्स रीडिंग करने का सबसे बड़ा रिक्रिएशन है। सम ऑफ अस लाइक अ प्ले विद द टॉयज एंड गेम। कई बच्चों को मैं देखती हूँ जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं LKG SKG टू 8th 9th तक, तो वो रिक्रिएशन कैसे करते हैं, अपने घर पे खुद के टॉयज से खेलना पसंद करते हैं। घर पे उनके पेरेंट्स जैसे उनके घर से बाहर नहीं निकलने देते, तो वो क्या करते हैं घर पे ही अपने रिक्रिएशन का साधन ढूंढ लेते हैं, अपने टॉयज को निकाल लेंगे, अपनी गाड़ियों को निकालते हैं, उनको खोलते हैं, पेचकस अपना माइंड लगाते हैं, पेचकस से उनके सारे जितने भी नीडल जो है उनके पेच वगैरह लगे हुए हैं उनको निकालते हैं और फिर वापस उनको जोड़ते हैं। तो ये भी बहुत सबसे बड़ा एजुकेशन है कि उससे उनका माइंड शार्प हो रहा है, उस चीज़ को खोल करके पूरा देखते हैं, उसके मशीनरी को देखते हैं कि कैसे चलती है ना। इस वजह से जो गर्ल्स हैं वो ज़्यादातर डॉल्स से खेलना पसंद करती हैं, डॉल्स को अपनी मम्मी की तरह वो उनको साड़ियाँ पहनाती हैं और अलग अलग टाइप से उनको तैयार करती हैं, उनका मेकअप करती हैं, तो ये गर्ल्स का है एजुकेशन। तो यानी लड़के हैं लड़कों में सबके अपने अपने अलग अलग गेम्स होते हैं, सब अपने अपने अलग अलग तरीके से रिक्रिएशन करना पसंद करते हैं। सब और लाइक प्ले विद द टॉयज एंड गेम, या फिर जैसे कई लोग छोटे छोटे बच्चे हैं अपने घर पे जो उनके टॉयज होते हैं उनको चलाना, उनको घुमाना उनको बहुत अच्छा लगता है, वो बैठे बैठे उनको उनको खोल खाल के देखते हैं, फिर वापस उसको बंद करते हैं, तो वो भी उनको पसंद आता है। वी ऑल्सो लाइक टू प्ले विद आवर पेट्स, या फिर जिसके घर पे कुछ भी नहीं है तो वो क्या करते हैं अपने पेट्स के साथ ही खेलना पसंद करते हैं। जैसे कई लोगों के घर पे पेट्स पाले हुए होते हैं,
चाहे उनकी गॉट है, चाहे उनके पास काव है, चाहे उनके पास बर्ड्स वगैरह है या फिशेज वगैरह है, तो उनको देख देख करके बहुत खुश होता है। उनके पास जाके आधे से पौन घंटे तक वो उनको देख करके बड़े मजे लेते हैं और इससे से वो अपना रिक्रिएशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमने देखा कि हमारे घर पे कैसे रिक्रिएशन हो रहा है। अब हम उसके नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, उसमें हम लोग बाहर के रिक्रिएशन देखेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, पिक्चर देखिएगा कि हम जब बाहर जाएंगे तो बाहर हम क्या क्या गेम खेल सकते हैं। आप रनिंग कर सकते हो, दौड़ लगा सकते हो, है ना, और दौड़ से क्या हुआ आपकी एक्सरसाइज हो रही है। प्लस हम खो-खो वगैरह खेल सकते हैं बाहर जा करके, फुटबॉल वगैरह खेल सकते हैं, बैडमिंटन वगैरह खेल सकते हैं। ये चीज़ें हम जो आउटडोर गेम्स हैं ये हम लोग घर के अंदर नहीं खेल सकते, क्योंकि हमारे घर के अंदर बहुत कम स्पेस होता है। तो हम ये हमारी जो चीज़ें हैं कोई ना कोई टूट फूट सकती हैं, आपकी मदर आपके ऊपर चिल्ला सकती हैं। तो इस तरह से हम लोग जो आउटडोर गेम्स हैं वो बाहर ही खेलना पसंद करते हैं और अपने फ्रेंड सर्किल में, तो और भी मज़ा आता है आपको। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट मैं आपको दूंगी थोड़ी देर में। ठीक है, ओके, थैंक यू।